नमस्कार किसान भाई, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल भारतीय फार्मर में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि टमाटर और मिर्ची की फसल में जो वायरस वापस से देखने को मिल रहा है उसको कैसे तुरंत कंट्रोल कर लिया जाए। तो उसके लिए मैं आपको कुछ 3 ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आपकी मिर्ची और टमाटर दोनों को कंट्रोल हम कर सकते। तो हमारा जो पहला उपाय होने वाला है वो है कि जब हमने पहले गलती करी थी, यानी कि मिर्ची के जो वायरस वाले कुछ पौधे दिखे थे उनको उखाड़ के नहीं फेंका था, तो उनको तुरंत ही उखाड़ कर और गड्ढे में गाड़ कर उन्हें नष्ट कर दे, सबसे पहला उपाय तो हो गया ही। दूसरा उपाय, टाइची नाम से जो दवाई आई थी वायरस के लिए वो सबसे बेहतरीन साबित हुई थी। वह और PI का कफन, दोनों का फॉर्मूला एक ही है, चाहे तो आप वो यूज़ करें या फिर PI का कफन यूज़ करें और उसका छिड़काव तुरंत ही कर दें। और तीसरा उपाय हमारा ये होने वाला है कि जो हमारी मिर्ची है, टमाटर है, उनके चारों ओर धुआं कर दें ताकि ठंड से जो हमारे पत्ते वगैरह बर्बाद हो रहे हैं वो बर्बाद ना हो। और एक बात हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे टमाटर और जो मिर्ची की फसल है उसमें एक बार सिंचाई जरूर कर दे ताकि ठंड का प्रकोप भी इतना ज़्यादा ना रहे, और हो सके उतना थ्रिप्स का ट्रीटमेंट करें, न कि वायरस के नाम पर कोई सी भी दवाई का छिड़काव करें, क्योंकि जो वायरस जो आता है वो थ्रिप्स की वजह से ही आया है और सफ़ेद मच्छर की वजह से आया है। तो हमें थ्रिप्स और सफ़ेद मच्छर इन दोनों के लिए ट्रीटमेंट करना है। तो जो हमारा टोलेन फेनराइट 1.2% यानी कि टाइची और PI का कफन जो है यही बेस्ट प्रोडक्ट है हमारे वायरस को कंट्रोल करने के लिए। इसका बहुत ही जगह रिजल्ट देखा गया है, मैंने सब किसान भाइयों से बात करी है तो उन्होंने बताया है कि इसका रिजल्ट सबसे टॉप रहा है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इनका छिड़काव हर 8 या 10 दिन में करते रहें ताकि हमारी जो नए फसल है, जो गर्मी की फसल की बात हो रही है, मतलब हम जो भी नई लगा रहे हैं उसमें वायरस जो आ रहा है उसको कंट्रोल करने में बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। और दूसरे हम यहाँ पर अगर एक देसी उपाय की बात करें तो वो है हमारे यहाँ पे गाय के मूत्र यानी गोमूत्र का छिड़काव। छाछ का भी छिड़काव किया जाता है, बहुत बार देखा गया है कि दूध का भी छिड़काव किया गया है टमाटर में, क्योंकि दूध का उपयोग बहुत ही अधिक किया जाता है वायरस को दूर करने के लिए। ये सभी को पता है, ये साइंटिफिकली प्रूफ भी हो चुका है कि दूध वायरस को भगाता है। तो दूध, छाछ और गोमूत्र का छिड़काव बहुत बार हमने देखा है यहाँ पर करते हुए, लेकिन अलग अलग किया जाता है। गोमूत्र से जो फॉर्मूला बनाया जाता है उसके बनाने की विधि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, अगर आपको अच्छा लगे तो बना कर एक बार छिड़काव जरूर करें, 7 दिन में एक बार उसका भी छिड़काव करना चाहिए। तो यही था हमारी आज की वीडियो में, कैसे टमाटर और मिर्ची को बचाया जाए वायरस और थ्रिप्स से। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।